मंडी जिला के गौहर उपमंडल के अंतर्गत डीएवी पब्लिक स्कूल को अब पूरी तरह से डीएवी प्रबंधन कमेटी ने अपने अधीन ले लिया है। हालांकि इससे पूर्व यहां की स्थानीय कमेटी इसे चला रही थी। डीएवी पब्लिक स्कूल गौहर में जारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान नवनियुक्त प्रधानाचार्य चंद्रशेखर वर्मा ने ये जानकारी दी। प्रधानाचार्य ने कहा कि स्कूल पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा था और भविष्य में भी अपनी सेवाएं इसी तरह से बेहतरीन स्तर को प्राप्त करता रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा रुकी पड़ी स्कूल बस सेवा की सुविधा भी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से निवेदन किया है कि घरों में भी बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। मतलब सारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट है, बच्चा है उसकी ग्रोथ है, सिलेबस है, करिकुलम है स्कूल का, ये वहीं से निर्धारित होगा। और जो भी मतलब बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट है उसका पूरा ध्यान ये कमेटी रखेगी। उसके माध्यम से शिक्षकों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे समय अनुसार। सिलेबस इस साल मतलब जो ये सत्र चल रहा है आपका, वो एचपी स्टेट एफिलेटेड बोर्ड स्कूल एजुकेशन के अकॉर्डिंगली जो चल रहा है उसको हम चला ही रहे हैं और वो रहेगा, क्योंकि वो निर्धारित है, समय से पहले ही तय हो चुकी चीज़ें हैं। अगले साल से मतलब जो भी सूचना उसके बारे में निर्धारित होगी वो अभिभावकों को समय से दे दी जाएगी। फिर खाली हमारा ध्यान बच्चे को सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित करने में नहीं रहेगा, उसका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो, और मतलब इससे हट के और बच्चा क्या कर सकता है, इस विषय पर हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित रहेगा। बहुत जल्दी ही हमारी प्रयास रहेंगे कि जैसे अभी कम्युनिकेशन स्किल्स पर हम अपने टीचर्स को पहले ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कुछ मतलब बच्चे के एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ ओलंपियाड्स उनके बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि बच्चा एक छोटी सी जो अब आप लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न में देख रहे हैं कि ओएमआर शीट तक भरना मतलब बच्चे को मुश्किल लग रहा है, तो उसको हम कक्षा वन से शुरू करके उस 10 साल के अंदर वो बच्चा इतना ट्रेंड हो जाए कि उसको वो एक ऐसा आसान सा प्रोसीजर लगे जिसमें उसको कोई दिक्कत कभी आए ना। स्टडी चैनल के लिए गौहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट।